वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेविगेशन के बारे में कि रिएक्ट के अंदर नेविगेशन आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, उसमें इजली स्टेप है, वो वहीं से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेविगेशन होती है, इसमें तीन टाइप की होती है, एक होती है स्टैक, एक ड्रॉअर, एक टैब। तो आप इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इनकी मैंने यहाँ पर इमेज रखी हुई है, वही मैं दिखाता हूँ। मैं तो सबसे पहले स्टैक, तो स्टैक का क्या मतलब होता है कि आप एक पेज पर गए, ठीक है, उस पेज पे कोई एक बटन है, जैसे उस पर क्लिक करोगे आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे, और सेकंड वाले पेज पे फिर एक और बटन होगी जो आपको क्या करेगी, तीसरे वाले पेज पे पहुंचा देगी, और यहीं पर आपकी बैक बटन होगी जो वापस से इस वाले पेज पर लेकर आएगी आपको, और पेज टू से पेज वन पे। तो ये तो हो जाती है आपकी स्टैक, ये देख रहे हो कि एक पेज से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो बैक है, तो आप वापस आ सकते हो, ठीक है, ये स्टैक हो गया। तो इस वीडियो में हम स्टैक बताने वाले हैं, और बाकी दो क्या होते हैं, ड्रॉअर और टैब, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इमेज से ही। इसमें क्या होता है, दूसरा हो गया ड्रॉअर। इसमें क्या होता है, जैसे हम एप्लीकेशन को साइड से करते हैं ना, साइड में आते हैं हमारे होम, लॉगिन, साइन अप, ये दूसरा वाला टाइप है, ठीक है इसका। और तीसरा हो गया टैब। टैब में क्या होगा, टैब में इस तरीके से टैब बन के आते हैं ना हमारे, कि यहाँ पर जॉब वन, चैट, फाइल, या जो भी एक्स वाई जेड, टेबल वन, टेबल टू, तो उस तरीके से हो गया आपका टैब। तो इस वीडियो में हम ओनली कवर करने वाले हैं स्टैक को। तो इसके क्या क्या स्टेप हैं इंस्टॉलेशन के, इसमें क्या होता है, कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। आप गूगल पे लिखना रिएक्ट नेविगेशन, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन लिखना, यहाँ पर अपने आप पहला लिंक आ जाएगा आपका। उसमें जाके आपको क्या करना है, एक तो ये वाला पैकेज, ठीक है, और इसके बाद अगर आप एक्सपो यूज़ कर रहे हो तो इसके थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्मल एन पी एम इंस्टॉल करना है तो आप ये वाला पैकेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं स्टेप कि आप उस यूआरएल पे जाना, इस वाले पे, एक तो पहला स्टेप ये वाला कॉपी करो और इंस्टॉल कर लो, सेकंड ये वाला जिसके अंदर रिएक्ट नेटिव स्कीम होगी और सेफ एरिया कंटेंट, ठीक है। ये दो आपके पैकेज जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना, आप इस सेकंड टैब पे हेलो रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेविगेशन, इस पर क्लिक करोगे आप तो ये सेकेंड टैब पर पहुँचाएगा। यहाँ से आपको सिंपल एक पैकेज मिलेगा, ये वाला नेविगेट स्टैक, क्योंकि अभी हम स्टैक वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो वो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये प्रोसेस इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका बिल्कुल सही चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई एरर आता है आपका, एरर मैं बताता हूँ कब आएगा ये। जैसे मान लो आपने सेटअप तो कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल के बाद आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा इसमें, जैसे कि इम्पोर्ट, मैं इसमें इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेविगेट, ठीक है, और यहाँ से मैं पिक करता हूँ नेविगेटर कंटेंट, नेविगेशन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज़ मेरे को इंपोर्ट करनी है, यहाँ पे इंपोर्ट करा मैंने, अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, रिएक्ट नेविगेट स्टैक, ठीक है ये। अब इसमें से मैं पिक करूँगा क्रिएट नेविगेट स्टैक नेविगेटर, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा स्टैक नाम का, और इसके अंदर हम इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या करना है आपको, ये जो नेविगेटर कंटेंट है, ये जो हमारा जो पहला वाला पेज होगा आपका, सबसे पहले हमारा कौन सा रन होता है, अगर आप जाओगे इंडेक्स डॉट जी एस में, यहाँ से सबसे पहले किसको कॉल करवा रहे हो, जैसे नॉर्मली ऐप डॉट जी एस होता है, मैंने क्या कर रखा है, कोड इम्प्रूव नाम का एक पेज बना रखा है, उसको मैं करवाता हूँ यहाँ पर कॉल, ठीक है। तो आप जो भी आपका पेज होगा ऐप डॉट जी एस, उस पर जाना और स्टार्टिंग में और एंड में इसको पेस्ट कर देना, इसके अंदर लिखना हमें, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टैक जो ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, ये डॉट करोगे, यहाँ से आपको निकालना नेविगेटर, इसको कॉपी करना, इसको यहाँ पे क्लोज कर दो, ओपन करा, क्लोज करा हमने, ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अब क्या करना, अब हमें स्क्रीन डिसाइड करनी है कि होम वाले पेज पर क्या आना चाहिए, जैसे इसके अंदर होता है स्टैक डॉट स्क्रीन, ठीक है, इसको एक ही टाइम में हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर बताना पड़ेगा हमें नेम, बताओ हमारी स्क्रीन का क्या नाम है, इस वाले स्क्रीन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मेरा होम रख दिया मैंने इसका, ठीक है, और यहाँ पर होम पर कौन सा कंपोनेंट कॉल करवाना है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं होम पेज नाम का मेरा कंपोनेंट होगा एक, वो हम चलो अब यहीं बना लेते हैं अभी के लिए, कॉन्स्टेंट होम पेज, और यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं इसको,
और इसमें कुछ हम व्यू बना लेते हैं, व्यू व्यू ठीक है। इस व्यू के अंदर हम कुछ टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में डाल देते हैं कि ये कौन सा पेज है, ये हमारा होम पेज स्क्रीन है ठीक है। और इसको चेक करते हैं अभी के लिए, और अपने इस पे गए या इसको एक बार रिलोड करा, ये आ गया देखो। अब मैं आपको बता रहा था अगर आपका इतना करने पर ही ठीक है ना, अगर इस टाइप का कुछ एरर दिखाई देता आपका, ये वाला आर एन स्किन स्टैक हेडर कन्फिग नॉट फाउंड ठीक है, और यहाँ पर ब्राउज़र में इस तरीके का, तो इसका देखो पहला सॉल्यूशन तो ये है इसका कि आपका जो ये इंस्टॉल है हुआ ही नहीं है, जो पैकेज है रिएक्ट नेटिव स्किन वाला और रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेंट वाला ठीक है, आपके इस पैकेज में प्रॉब्लम है। इसको एक बार दोबारा इंस्टॉल करना, और उसके बाद क्या कहते हैं अगर फिर भी नहीं होता तो आप क्या काम करना, npm स्टार्ट रीसेट कैसे कर लेना ठीक है। तो इससे आपको डेफिनेटली चलने लग जाएगा ठीक है ना, नहीं तो एक बार अपनी जो ये एप्लीकेशन है इसको क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट कर लेना, भाई इतनी ही प्रॉब्लम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, इतने में चलने लग जाता है ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक कंपोनेंट, अब ऐसे ही आपके दो कंपोनेंट होते हैं इसमें। इसको मैं कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं ये लॉगिन, और इसको मैं सेम लॉगिन ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं लॉगिन लॉगिन ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, होम वाला, क्योंकि यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है सबसे ऊपर हमने कौन सा सेट कर रखा है, होम का। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इससे पहले मैं डाल देता हूँ ये वाला लॉगिन वाला, तो इस केस में क्या होगा, इसको रिलोड भी कर देते हैं एक बार, तो इस केस में लॉगिन वाला आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर हम एक बटन बना देते हैं कि जैसे लॉगिन पर यहाँ पर एक बटन हो, उस पर जैसे हम क्लिक करें तो वो क्या करें, होम वाले पेज पर चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ बटन, और उसका कुछ टाइटल दे देते हैं, मतलब उसका नेम दे देते हैं, नेम तो टाइटल के अंदर ही आता है, कि एक काम करो भाई आप गो टू कौन से पेज पर, होम पेज पर पहुँच जाओ ठीक है। और जैसे ही ये बंदा क्लिक करेगा, मतलब इस पेज पर आके ऑन प्रेस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसमें ना क्या होता है, प्रॉप्स के अंदर एक वेरिएबल मिलता है प्रॉप्स ठीक है। ये मैंने एनी इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये TSX फाइल है, तो इसमें एनी लिखना पड़ता है, अगर नहीं लिखूँगा तो अपना एरर देगा, या फिर बताओ प्रॉपर इसको ठीक है। अभी के लिए मैं एनी कर देता हूँ कि कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉप्स के अंदर से मेरे को ना एक नेविगेशन मिलेगा ठीक है, उसके अंदर से नेविगेट, इसके अंदर एक नेविगेट होगा, नेविगेट नहीं आ रहा सजेशन में, कोई नहीं। नेविगेट क्या करना है, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करें बटन पे, ये किस पर नेविगेट कर दें, ये कर दें हमारे होम पेज पर, जो हमारा यहाँ पर नेम रखा हुआ है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको ये मैंने किसके अंदर कर दिया, सॉरी ये मेरे को करना था लॉगिन वाले पेज के अंदर बटन लगानी थी। ये देखो ये बटन काफ़ी बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा सा हम सही कर सकते हैं यहाँ पे जाके, कि इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं थोड़ी सी, फ्लेक्स वन और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइंग आइटम सेंटर ठीक है। और जो प्रॉप्स था हमारा इसमें भी पास करते हैं एनी, या हम चेक करते हैं इसको, इसको रिलोड करते हैं, एरर आना हमारा बंद हो जाएगा ठीक है। देखो ये लॉगिन पेज है, ये अब मेरा क्लिक हो जाएगा, हो गया ठीक है। अभी क्या मेरे सिस्टम में यार प्रॉब्लम आ रही थी, पूरा हैंग वगैरह हो गया था, दोबारा से रिस्टार्ट करा तो ये चीज़ें सही चल रही हैं, कुछ कोड में चेंज नहीं है ठीक है ना, वो हैंगिंग की प्रॉब्लम थी, ये मेरा सही चल रहा है ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जैसे सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा आ रहा है मेरा, लॉगिन वाला, और लॉगिन पे जाने के बाद हमारा ये आ रहा है ठीक है होम का। अगर आपको और भी कंपोनेंट बनाने हैं आप बना सकते हो, ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट है मैंने, इसको कर देता हूँ, ये वाला हमारा हो गया लॉगिन के बाद ब्लॉग पेज ठीक है। और यहीं पे मैं एक ब्लॉग नाम को बना लेता हूँ, इसका नाम कर देते हैं ब्लॉग। तो ये कंपोनेंट बेसिकली अलग हम फाइल में रखेंगे, उनको एक्सपोर्ट करवाएंगे, अभी तो मैं इसी फाइल में रख रहा हूँ मैं ठीक है ना, ये ब्लॉग।
अब क्या करना है, मेरे को एक बटन बनानी है, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इसको, और इससे मैं बोलता हूँ कि गो टू ब्लॉक पेज, और ये वाला पेज हमारा हो जाएगा ब्लॉक पेज। ठीक है, तो क्या होगा, ऑर्डर देखो, पहले लॉगिन वाला पेज आएगा, फिर होम वाला आएगा, फिर ब्लॉग वाला आएगा। तो इसको चेक करते हैं, इसको रीलोड मार देता हूँ मैं। ठीक है, तो गो टू होम पेज, उसके बाद मेरा कौन सा पेज आया, होम वाला आया, होम पे बटन है ब्लॉग पे जाने के लिए। फिर मैं गया ब्लॉग पर, एक सेकंड, इसका नेम चेंज करना पड़ेगा कि गो टू ब्लॉग पेज, तो यहाँ पर ब्लॉग ये वाला नेम डालना पड़ेगा। इसको चेक करते हैं, अब ये जाएगा गो टू ब्लॉग। ठीक है, अब ब्लॉग से हम वापस आएंगे होम पे, होम से वापस आएंगे लॉगिन पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी आपको डिजाइनिंग वगैरह बताता हूँ कि इसमें आप क्या कर सकते हो, कि जो आपका जो ऊपर का पार्ट आ रहा है ये वाला लॉगिन वाला, इसको कुछ चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, डिजाइनिंग करनी है, तो वो ईजिली कर सकते हो। वो करना पड़ेगा इसके अंदर स्किन। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, हम करते हैं लॉगिन वाले में, तो यहाँ पर ऑप्शंस नाम का एक फील्ड होगा, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बताएंगे कि एक काम करो, आपका जो टाइटल है, अभी टाइटल डिफ़ॉल्ट में लॉगिन वाला उठा रहा है, तो जो नेम होता है, तो इसको हम कर देंगे यूज़र लॉगिन। तो ये देखो यूज़र लॉगिन हो गया। इसका कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो कि इसका हेडर का जो है, हेडर स्टाइल, ठीक है, यहाँ पर आप कलर डालो कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये कॉलन आएगा, सॉरी, कि बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाए। तो ये देखो रेड हो गया, कुछ भी हो करना है, ऑरेंज करना है, ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, इसका हेड जो ये टेक्स्ट आ रहा है ना, टेक्स्ट, इसको चेंज करना है आपको, तो ये भी चेंज कर सकते हो, हेडर, सॉरी अंदर नहीं, यहाँ पर हो गए बाहर, हेडर टिन कलर। ठीक है, यहाँ पर इसको कर दो ग्रीन, तो ये देखो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ऐसा आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, हेडर टाइटल स्टाइल। ठीक है, आप इसमें बताओ फॉन्ट साइज क्या रखना है, आप फॉन्ट साइज उसके अकॉर्डिंग चेंज, ये देखो 30 हो गया, इसको 60 करना है, 60 हो गया, 20 करना है, 20 हो गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब आप चाहते हो, देखो जैसे मैं अंदर जाता हूँ गो टू, तो ओनली किस पर हुआ, अभी अंदर वाले पर हुआ, बाहर वाले पर नहीं हुआ। आप चाहते हो कि ये जो सारी फंक्शनलिटी है ना, ये वाली, इसको मैं कमेंड करता हूँ, ये जितने भी पेज है ना सब पर होने चाहिए, मतलब जितनी भी स्क्रीन है, तो आप इसमें सेट कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर जाना, इसमें ऑप्शन होगा एक स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दो इसको, इसका नेम मैं ये कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि ये जो चेंजेस हैं, अब ये सारे अंदर वाले पेजेस पे भी लग गए। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको एवर ओनली एक ही स्क्रीन के लिए दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये देखना इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ओनली किस में आ रहा, यूजर वाले में। इसको उठा के आप इसमें पेस्ट कर दो होम वाले में, तो होम वाले में लग जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जो ये आ रहा है यूजर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहते हो यहाँ पर कुछ आइकन आए या कुछ एक्स वाई जेड जो भी आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक चीज़ होती है हेडर टाइटल, हेडर टाइटल। ठीक है, यहाँ पर एक अपना कंपोनेंट बना के उससे रिटर्न करवा सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अभी मैं सिंपल एक ही चीज़ करवा रहा हूँ कि मेरे को एक बटन चाहिए यहाँ पर, तो इसीलिए मैं एक लाइन में लिख देता हूँ कि मेरे को बटन चाहिए भाई यहाँ पर। ठीक है, और उस बटन का नेम क्या है, कि इस बटन का नेम है ऐड यूजर। ये देखो बटन आ गया यहाँ पर। अगर आपको कुछ और चाहिए, ये तो हो गया हमारा इस साइड में होगा। ठीक है, अब राइट साइड में भी चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेडर टाइटल की जगह आप कर दो राइट। देखो आ गया, ऐड की जगह कर दो इसमें, क्या करोगे ऐड की जगह, साइन अप कर दो, साइन अप। ठीक है,
अगर इनपुट फिल करना है इनपुट फिल कर दो, मतलब जो मर्जी आप कर सकते हो यहाँ पे। और इस पर कुछ भी आइकन वगैरह लगाने आप अपने अकॉर्डिंग लगाओ, मतलब ये बेसिकली मैंने एक ही लाइन लिखी हुई है। ये आप कंपोनेंट में दे सकते हो कि आपका कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा दो सीधा सा लिख के, ठीक है। हेडर हेडर बार, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ ये इस हेडर बार को, हेडर बार, ठीक है। चेंज करता हूँ यहाँ पर नेम एक्स वाई जेड, ये ज़्यादा कर देता हूँ, ये देखो। तो ये सिंपल है आपका। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया स्टैक, अब नेक्स्ट में करते हैं बाकी के दो जो पार्ट बचे हुए हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।